वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज गाना नहीं है, आज मैंने बड़ा ही अलग सा वीडियो चूज किया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, बट हाँ ये जरूर है कि ये सब शायरी लवर्स के लिए है वीडियो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पोइट्री में, शायरी में, ऑफकोर्स उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। लंबा जरूर है, मेरा बड़ा ज्यादा मन था शायरी सुनने का, यू नो डीप शायरी सुनने का। आई एम अ शायरी काइंड ऑफ पर्सन, मैं हूँ पोइट्री, डीप लाइन्स, हिंदी, पंजाबी, एनी लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो कोटेशन ये सारी चीज़ों में मेरा बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो आज वही टॉपिक है भाई नुसरत फ़तेह अली खान साहब की शायरी पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ। देखो तकरीबन 15 मिनट का ये वीडियो है, रिएक्शन वीडियो तो इस हिसाब से मुझे लगता है 17 से 18 मिनट का जाएगा। तो आप लोग भी अगर आज मूड में है शायरी सुनने के, तो चलो यार साथ में शायरी सुनते हैं, रिएक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, मैं भी शायरी सुन लूंगी और आप भी शायरी सुन लोगे। करते रिएक्शन स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज्यादा लंबा हो। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है एक काम कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं करती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ ये बात क्योंकि मेरी जुबान में बैठी हुई है, पर हाँ मैं ख्याल रखूंगी इस बात का कि डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूं अपनी इंस्टाग्राम आईडी। करते रिएक्शन स्टार्ट। मेरी इबादत है, मैं कभी बेवजू नहीं पीता, मैं शराबी सही मगर जाहिद आदमी का लहू नहीं पीता। आज क्या की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। रात उनको भी यूं हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी, एक नजर मुड़ के देखने वाले क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। आपके वास्ते गुनाह सही, हम पिए तो सवाब बनती है। एक सेकंड, मैं शायरी का मजा खराब नहीं करना चाहती, पर मैं साथ के साथ गूगल करके मतलब भी ढूंढूंगी क्योंकि मैं बेवजह भी नहीं जाने देना चाहती इसको। आपके वास्ते गुनाह सही, हम पिए तो सवाब बनती है। मुझे सवाब का मतलब ढूंढना है क्या होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो इस चीज में, बट मैं इसको ऐसे भी नहीं जाने देना चाहती ना, ऑफकोर्स हवा में सवाब मीनिंग। अभी मैं वीडियो कट भी नहीं करूंगी। सवाब नेकी, ऑल राइट हम पिए तो सवाब बनती है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। सौ गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है, तुलू ए सुबह तेरे रुख की बात होने लगी, तुम्हारी जुल्फ जो बिखरी तो रात होने लगी, तुम्हारी मस्त नजर का खुमार क्या कहना, नशे में गर्क सभी कायनात होने लगी। मैं परस्ती मेरी इबादत है, मैं कभी बेवजू नहीं पीता, मैं शराबी सही मगर जाहिद आदमी का लहू नहीं पीता। हमने सुन लिया स्टार्टिंग में, राइट। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। बिल्कुल सही। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है। आज जाओ ना बेचैन करके मुझे, जाने जा दिल दुखाना बुरी बात है, हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर, हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर, तुम तो आराम की नींद सो जाओगे। बेकसी बेकली बेकरार, बेकसी
ऐसी बेपली बेकरारी, दो घड़ी की मुलाकात में वो, दो घड़ी की मुलाकात में वो, कितने रंजो आलम से करके देखो, प्यार किसी से करके देखो, खुद ही पता चल जाए आपके वास्ते गुनाह सही। रिपीट हुए हम पिए तो सवाब बनती है, सौ गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। तुलू ए सुबह तेरे रुख की बात होने लगी, तुम्हारी जुल्फ जो बिखरी तो रात होने लगी, तुम्हारी मस्त नजर का खुमार का कहना, नशे में गर्क सभी कायनात होने लगी। मेरे नालों की सुन कर जबाने हो गई मोम कितनी चटाने, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। क्या मैं देखो अच्छा नहीं है तुम्हारा जलन, ये जवानी के दिन आज ये शोगिला, सुनाया करो बाल खोले हुए, सुनाया करो बाल खोले हुए, वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। पास आओ तो तुमको कराते हो क्यों दूर से देख कर, यूं गुजरे अगर ये जवानी के दिन, यूं गुजरे अगर ये जवानी के दिन, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे। वफा बेमुरम्मत है उनकी नजर, ये बदल जाएंगे जिंदगी लूट कर, ये बदल जाएंगे जिंदगी लूट कर, हुस्न वालों से दिल को लगाया अगर, हुस्न वालों से दिल को लगाया अगर, अफना देखो बेमौत मर जाओ। होए नाइस यार, इसलिए कहानी तेरा चर्चा नहीं करते, आशिक कभी माशूक को, आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं करते, वो हाल ही पूछे कभी बीमार आलम का। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, मैं फिलहाल का कब
हमें जौक था आपके वास्ते, हमने ये भी किया मिलने जुलने लगे आने जाने लगे, आपसे दूर के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुन। निकल कर
मेरा जनाजा जब के निकल कर उनकी गली से चाहिए था कि जिसमें मुझे दो दो मेन मेन लाइन जैसे सुनने को मिले उनकी शायरी की एंड कमाल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। बीच बीच में कुछ लाइन सुन के मुझे गूज बम्स भी आ रहे थे, कुछ लाइन सुन के मेरा ऐसे गला सा भी भर आ रहा था। मेरा दिल था, पता है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड इसीलिए किया था, मुझे लगा था कि मैं हर शायरी को ना रोक रोक के उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन यार वो एक फ्लो में जब चलती जा रही थी तो मेरा रोकने का मन ही नहीं कर रहा था उसको। माय रिएक्शन, मैं और मुझे ना आप लोग बेस्ट बेस्ट लिंक दे दो, ठीक है, कमेंट्स में, या जिसकी भी शायरी पे आप लोग चाहते हो मैं रिएक्शन करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शायरी सुनना। कभी ना कभी मैंने लिखने का सोचा भी था, लिखना शुरू भी किया था, पर फिर बीच में छूट गया, और अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं दोबारा लिख सकती हूँ। पर हाँ, हम सुन सकते हैं शायरी, हम और लोगों की शायरी सुन सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं ज़रूर। तो आप लोग अच्छे अच्छे शायरों की शायरी बताओ मुझे कमेंट्स में, मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगी। मैंने पीछे स्टार्ट भी किया था तहजीब हाफी, अली अर्ज, उनका नाम अली अर्जरून, आई एम सो सॉरी मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, हाँ अली जरियों, आई एम सो सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया। इनकी शायरी पे भी मैंने रिएक्शन वीडियो बनाए थे, बहुत सही सही शायरी थी, बहुत कमाल का लिखा था। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो पे दैट वाज माय रिएक्शन, कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ शायरी सुन के, वो भी नुसरत फतेह अली खान साहब द लेजेंड, बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।